चाहिए कि इसका ये नहीं बोला आज मंडे है संडे है या इस दिन रेडी आएंगी उस दिन रेडी ये इसमें नहीं आ जाए। संडे मंडे यात्रा में कोई नहीं होगा, जितने दिन यात्रा चलेगी चूना होना चाहिए, जो पोर्टल वो आप डालते हैं अपना डीडीटी या चूना डालते हैं ये होना चाहिए। सिक्योरिटी का आप देख लें, सिक्योरिटी की कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हो सकता है हम अपने कोई जैसे देखो हम यहाँ तो जो हमेशा से काम है यहाँ से हमें ये नहीं लेना चाहिए कि हमारी यात्रा ये यात्रा हम सब की है इसमें क्या है? जैसा कि सनातन धर्म सभा के जो नम्रनाथ साहब है प्रेजिडेंट है उन्होंने बात की, हमीद साहब ने बात की, केसर साहब ने बात की जो म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं। अगर जहां हमारे एम्प्लॉयज की आपको जरूरत पड़ेगी तहसील तो हम एक जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं जहां रात को पड़े दिन को पड़े हमारे इंस्टीट्यूशन में अगर आपको जरूरत पड़ जाती है कोई नागहानी किस्म की कोई बारिश वगैरह कुछ हो जाए तो हम आपके लिए तैयार हैं, हमारा स्टाफ आपके लिए भी तैयार होगा, उन लोगों के लिए कि जो लोग बाहर से हमारे मेहमान आएंगे कहीं भी किसी वक्त भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है मोबाइल नंबर आप अपने पास रख सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़े हमारे किसी भी मुलाजम की ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ कॉपरेशन के तैयार हैं। हमारी यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी तो आप गलत जगह पर जा रहे हैं, वहाँ से आए तो बचकर वापस नहीं है। मेरी गुजारिश है कि ये यात्री लोग जो आ रहे हैं जैसे आपने ठीक फरमाया कि हमारा दिन ये कहता है कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, हमारा मकसद ये नहीं कहता कि हम किसी के मुकाम पर किसी की इज्जत करेंगी दूसरी शर्त छा गए उससे हमें तो बेहद नहीं मिलता। हमारे घर में ये फरमाया कि हम दूसरे की जैसे हम अपनी मजदूर की इज्जत करते हैं दूसरे की मजदूर की हमें इज्जत करनी पड़ेगी। देखो मैं एक इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो यहाँ एसपी ग्रेजुएशन एसपी सेवा सीखना यहाँ पर जैसे आप सब जानते हैं कि हम लोग जब यहाँ से कहीं जाते हैं जैसे ज्यादा पे जाते हैं हम तो बाबा नगर लोग जाते हैं या अजमेर से जाते हैं दिल्ली में जाते हैं तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि वहाँ क्या होना चाहिए, सफाई नजर आनी चाहिए, हेल्पिंग गाइड मिल जाना चाहिए, जब आदमी कहीं नई जगह जाता तो गाइडेंस अच्छी मिल जानी चाहिए, हॉस्पिटलिटी अच्छी मिल जानी चाहिए। इस तरह से हमारे बैरू में रियासत या रियासत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़ा आम नाच चरा के लोग नाचे जाएंगे उनकी भी हम लोग हम ये चाहते हैं कि हमारे सिविल सोसाइटी की तरफ से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से बियॉन्ड उनकी एक्सपेक्टेशन जो हमारी एक्सपेक्टेशन उनको मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो बता दूं कि आज एसडीएम मैम ने यात्रा के रिलेटेड एक मीटिंग रखी थी, इसमें जितने भी तहसील ऑफिसर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया और यात्रा के बारे में डिस्कशन हुई। उसमें हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी हमारे भाई थे वो भी आए हुए थे, सिख भाई भी थे साथ में हिंदू भाई भी थे, उन्होंने सब ने आश्वासन दिया है कि हमारी सुरगोर की ये परम्परा रही है कि यहाँ गंगा जमुना जो तहजीब है वो आज तक बरकरार है और बरकरार रहेगी, हमारा भाईचारा जो है वो सदा बना है और बना रहेगा। तो इसके रिलेटेड हमने रखी तो 27 जुलाई को ये यात्रा शुरू होगी, 7 दिन के बाद इसका समापन होगा। तो हमने जितने भी हमारे भाई बाहर से आते हैं उनका वेलकम करना है और एक अच्छा मैसेज जो है वो जाए। शुक्रिया। आज एसडीएम मैडम ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, ऑल डिस्ट्रिक्ट तहसील ऑफिसर्स सिटीजन्स ऑल कम्युनिटीज के हेड्स को बुला के इस मीटिंग के बारे में राय ली गई है और ये फैसला हुआ है कि ये मीटिंग जो सनातन धर्म ये जो यात्रा है इसके रास्ते का जिम्मेवार इसका इंतजाम का जिम्मेवार कोई हिंदू सभा नहीं है, पूरा मुस्लिम एरिया इसका जिम्मेवार है, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ सब साथ चलेंगे और पूरी मदद करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ भी जरूरत होगी सब लोग इनके साथ हैं और इसका जो परचम होगा ये यहाँ के मुस्लिम भाइयों के हाथ में होगा जो हमारी हिंदू कम्युनिटी पीछे होगी और बड़े अच्छे तरीके से इसे मनाया जाएगा। सिक्योरिटी की जो बात है वो हमें गवर्नमेंट पर विश्वास है कि वो उन्होंने हमारा इंतजाम अच्छी तरह किया होगा, जो बाकी बिजली नलका शर्क है उसके बाद मैडम ने सब लोगों को बड़ा ज़बरदस्त आदर दिया है कि वक्त पर कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए तो यात्रा बड़ी अच्छी जानी चाहिए। तो इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट का, साथ में मीडिया सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने छोटी छोटी बातों से लेके हमारी बात जो हाईलाइट करते हैं
जिसका हमें छोटा मोटा फल फल मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू। आज तहसील इंतजामिया सुरन कोट की तरफ से डाबंगला सुरन कोट में एक यात्रा के मुताबिक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल और सनातन धर्म सभा के लोग बुलाए गए थे। इसका मतलब यह है कि 26 तारीख को जो यात्रा यहाँ पर शुरू हो रही है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाहर से लोग यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी और तमाम लोगों का जो है राय ली गई और तमाम लोगों ने अच्छे तरीके से अपने अपने जो है वो पॉइंट्स रखे। मैं तमाम इलाका की आवाम से गुजारिश करूँगा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों से, कि इस बार जो यात्रा है, इस यात्रा को जैसे आपने पहले कामयाब किया है, अपना पूरा तावन, जितने भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो यात्रा का तावन करें और एक अच्छा मैसेज जो है रजौरी पुंछ के अंदर जो है खिताई पीर पंजाल से जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, पूरे हिंदुस्तान के हालात जो है वो आवाज़ कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले भी जैसे हमारे लोगों ने जो है पूरा कोऑपरेट जो है सनातन धर्म सभा के साथ किया है, इसके बाद भी हमारा पूरा तावन जो है जानी माली जो है वो सनातन धर्म सभा के साथ है और यात्रियों का बेहतरीन रिसेप्शन जो है वो सुरन कोट सनेई के अंदर किया जाएगा। जो पॉइंट जो है इन्होंने डिसाइड किया है, इसमें जो मैं गुजारिश करूँगा यहाँ के इलाका के तमाम मुस्लिम भाइयों से कि आप ही शर्म शरा सामने आके यात्रा का रिसेप्शन करें और एक अच्छा मैसेज हिंदू मुस्लिम एकता जो रजौरी पुंछ की एक मिसाल रही है और जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में ली जाती है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है और इस वक्त के हालात को देखते हुए हम ये समझते हैं और ये मैं गुजारिश करूँगा सिक्योरिटी फोर्सेज से और पुलिस से भी कि इसके लिए जो है सख्त से सख्त इंतजाम किए जाएँ। हमारी यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत पड़ती है, हम दिन को रात को भी हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।